गाइस बच्चे तो लगे हैं काम पे जी, तो अब मैं बनाता हूँ उनके लिए खाना। तो खाने में बन रहा है आज आपका चिकन। तो चलो जी किचन में, और मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा लगेगा आपको, और मैं कमेंट करके जरूर बताना आपको कि आपको कैसा लगेगा चिकन। तो मैं सिर्फ आज सिंपल तरीके से बनाऊंगा, तो चलो जी किचन में चलते हैं और वहीं दिखाता हूँ दोस्तों। करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 किलो चिकन ले रखा हमने। तो ये अभी अभी मंगाया मैंने फ्रेश, इसको अभी कम से कम 1 घंटा में मैरिनेट करना पड़ेगा। और ये ले रखे मैंने यहाँ पे 4 नींबू ताकि ये जल्दी से फट जाए और बढ़िया करके। और 1 दही का पैकेट ले रखा है यहाँ पे, और इसमें डालते थोड़े से मसाले, ज्यादा नहीं, सादा ही सिंपल बना रहा हूँ मैं। तो इसमें डालूंगा जी आपके पहले, सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि बाद में इसमें कुछ नहीं डालना पड़ेगा हमें। इसमें मैं नमक ऑलरेडी पहले डाल देता हूँ, और थोड़ा सा ना बराबर डालेंगे मसाले में। और ये हमने डाल दी इसमें हल्दी, तो ये थोड़ी हल्दी डाल देंगे इसमें। और ये डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर, तो ये क्या है कि इसके साथ मेल्ट हो जाएगा और बहुत बढ़िया। इसके बाद उसका बंद करके रख देते हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर डालते हैं जी हम पहले सॉरी डालते थोड़ी देगी मिर्च। देगी मिर्च से क्या है ना कलर बेटर आ जाता है, इसमें थोड़ी हम देगी मिर्च डाल देती है ये देखिए। और थोड़ा सा डालेंगे हम मसाले में, तो और अभी डालते हैं इसमें दही। ये पैकेट हमारा 10 रुपए का आता, ज्यादा महंगा नहीं है। 10 रुपए की दही डाल के आप इसको बढ़िया करके बना सकते हैं। और हाँ, इसको मैरिनेट करना बहुत जरूरी है। और ये लेंगे हम यहाँ पे नींबू, 2 नींबू लेते हैं जी, 1 नींबू और 2 नींबू। अब आप बोलोगे दही डाली है तो नींबू का क्या काम है, तो इससे क्या है ना कि ये बढ़िया करके फट जाएगा हमारा चिकन। तो इसको डालना इसमें कंपलसरी है ये देखिए। इसमें क्या है ना अंदर तक सारा मसाला इस पर चला जाएगा और ये बढ़िया करके हमारा बन जाएगा ये देखिए। तो ये मैंने निकाल के हो गया इसका काम। अब इसको मिला लेते हैं थोड़ा सा हाथ से। तो इसको आधे घंटे अभी हम फ्रिज में रखेंगे 1 घंटा, और आधे घंटे बाद चेक करूंगा मैं मसाला बनाना चालू इसका। इसको यहाँ रख देते हैं हाथ धो ले। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रिज है, और हम रखेंगे इसको आइस वाले में। ये देखिए काफी बर्फ भी जमी हुई है, स्विट्जरलैंड बना हुआ है अंदर ये देखिए। तो इसको आधे घंटे के लिए हम यही छोड़ देंगे। तो अब इसको मैरिनेट करना मैंने रखा है फ्रिज में। तो दोस्तों अब हो गया आधा घंटा फिनिश, तो चलो मसाला बनाते हैं चिकन का। और तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ले लिए 4 प्याज और 1 टमाटर। टमाटर एक इसलिए लिया है ताकि मैंने उसमें दही भी और नींबू भी डाल रखा है ना, तो ज्यादा खट्टा हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन चिली। तो चलो अब इनका करते हैं कार्यक्रम चालू। तो इसमें डाल देते हैं हम ऑयल, क्योंकि गर्म हो गई कढ़ाई हमारी। तो ये हमने डाल दिए 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के। तो इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं फिलहाल। तो दोस्तों तेल आप देख सकते हैं एकदम गर्म हो गया हमारा। और अब डालते हैं हम इसमें प्याज। इसको करना हमने ब्राउन। फिर डालेंगे हम इसमें हरी मिर्ची और टमाटर और थोड़े बहुत मसाले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप ब्राउन होने लग गया हमारा प्याज। और इसमें मैं अगर पहले डालता ना नमक तो ये बहुत जल्दी हो जाता, पर मैंने इसमें नमक नहीं डाला आज, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसमें डाल रखा है नमक, मसाले में नमक डाल रखा है मैंने, जो हमने चिकन अपना मैरिनेट करा है तो उसमें डाल रखा है। और ये हो गया हमारा ब्राउन, देख सकते हैं आप काफी ब्राउन हो गया। तो अब डालते हैं हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची। तो ये आप देख सकते हैं आप सारा का सारा डाल देंगे इसमें। तो गाइस अब आप देख सकते हैं इसको हिलाते में कोई 1 मिनट हो गया, तो मेरा टमाटर जो है ना टमाटर भी अब गलने लग गया है और गल चुका है काफी। हरी मिर्ची भी मेरी गल चुकी है। तो अब डालते हैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और आप डालेंगे इसमें चिकन मसाले का पैकेट डाल दिया है। तो थोड़े से अब मसाले भी डाल देते हैं अच्छे से। तो नमक आपने देखा होगा धनिया डाल दिया, तो मैं थोड़ा धनिया डालूंगा इसमें थोड़ा हल्का से ज्यादा ये देखिए। और थोड़ी सी डालूंगा इसमें हल्दी, उसमें भी डाल रखा है मैंने हल्दी, बाकी नमक नहीं डालूंगा मैं इसमें। मिला लेते थोड़ा थोड़ा सा, इसको मिलाना पड़ता है ना क्योंकि पक जाए थोड़ा सा मसाला ये देखिए, थोड़ा घोटना पड़ेगा
इसको, तो मसाले हमारे जड़े ना, तो इसलिए इसको हिलाते रहिए। और आप डालते हैं इसमें थोड़ा सा पानी, और भाई क्या कलर आ रहा है भाई, जबरदस्त, और खुशबू भी आ रही है बढ़िया, क्योंकि इसमें खड़े मसाले नहीं है, क्योंकि चिकन ऑलरेडी थोड़ा गर्म होता है, तो इसलिए मैंने वो डाला नहीं है इसमें। मैं तब तक मैं ले आता हूँ फ्रीज से अपना चिकन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी ने अब तेज हो गया है और एकदम बढ़िया से पक गई है। देखिए एकदम बढ़िया करके ग्रेवी हमारी बन चुकी है, एकदम लटपटा मसाला जैसे बोलते हैं। और डाले हुए अब चिकन, ये देखिए जो मैंने मैरिनेट करा था एक घंटे पहले, और काफी अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है। तो अब डालते हैं इसको इसमें सीधा डायरेक्ट। फ्रीजर में रखा हुआ था और काफी ठंडा हो गया, तो इसको थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो अब सो गाइस अब आप देख रहे होंगे इसमें छोड़ दिया है पानी, क्योंकि इसमें हमने दही डाल रखे था और जिसको हमने धोया भी था थोड़ा, तो हल्का फुल्का पानी तो आएगा ही। तो पानी हम इसमें डालेंगे लास्ट में, इसमें ढक्कन रख देते हैं अभी फिलहाल। तो ये हमने इसमें ढक्कन रख दिया है, तो 5 मिनट बाद देखते हैं इसका क्या हाल होता है। तो दोस्तों गढ़वाली में बोलते हैं ढास मास, तो देखते हैं इसका ढास मास मुर्गे का क्या हुआ है, ढास मास मतलब की कितना बन गया है और कितना नहीं बना है। तो चलो जी एक बार ट्राई करते हैं। देखो ये पानी काफी छोड़ रही है, काफी अच्छा कलर भी दे रहा है, ब्यूटीफुल एकदम। ये देखिए, और आप लेग पीस देखेंगे ना तो 80% पक चुका है ये। ये देखिए थोड़ी बहुत हमें ग्रेवी चाहिए, बच्चों ने रोटी की जगह बोला भाई हमें राइस खाना है, तो थोड़ा सा राइस के लिए रखेंगे इसको, पानी इसमें थोड़ा सा, क्योंकि राइस खाना है, तो इसको भी पकने देते हैं थोड़ा और 5 या 6 मिनट में ये बंच के हमारा रेडी हो जाएगा। अब गैस कर देते हैं हम थोड़ी कम आंच में। सो दोस्तों आप देखते हैं अब हमारा रेडी हो गया, क्योंकि 5 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं और ये बन गया होगा एकदम रेडी करके। बस कलर आ गया इसका, तो अब इसको कर देते हैं हम इसकी फ्लेम बंद। और ये देखिए हमने बंद कर दिया है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया करके ये हमारा चिकन रेडी हो गया। ये देखिए कितना अच्छा कलर दे दिया इसने, और चिकन बन के रेडी है, चिकन हमारा रेडी हो गया। अगर आप इसको क्या बोलते हैं बटर चिकन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं बटर, तो आपका बटर चिकन भी रेडी है। और बाकी आप अपनी हिसाब से ग्रेवी थिक करना चाहते हैं तो थिक कर सकते हैं, रोटी के लिए और सुखाना चाहते हैं सुखा देते आप ग्रेवी, और हमने खाना है राइस में, तो हमने थोड़ी ग्रेवी रखी हुई है इसमें। तो आप ये इस तरह से बन चुका है,